हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन पिनल कोड IPC अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860, जिसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने कवर किया था टोटल अध्याय, जिसमें टोटल 23 अध्याय और 511 धाराएं होती है। 23 का 23 अध्याय आपको टिप्स में मैंने याद कराने की कोशिश किया और आपको याद भी हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट धाराएं जो भी हैं उसको बहुत ही सारे तरीके से कवर करेंगे और उसमें प्रावधान क्या किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें हम लोग कवर करेंगे और ये पार्ट अगला भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा धारा 1। धारा 1 में दोस्तों क्या किया गया है, नाम और टाइटल कैसे करोगे। देखिए ध्यान से कि जो नाम होता है, किसी का भी नाम होता है और टाइटल होता है कहीं पे किसी जगह पे, तो वो हमेशा टाई लगा के जाता है। अगर मान लो किसी आदमी का वहाँ पे उस जगह पे नाम है और उसका टाइटल ही बहुत काफ़ी है, तो वो हमेशा कहीं पे भी जाएगा तो टाई लगा के जाएगा। पार्टी वार्टी भी गया तो टाई लगा के गया। तो बस आपका आंसर क्लियर हो गया कि नाम और टाइटल अगर बहुत अच्छा होता है तो लोग टाई लगा के जाते हैं। तो ये धारा नंबर 1 में है। टी का दोस्तों 1 होता है, आई और ई का कोड नहीं होता है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1। धारा नंबर 22 में दोस्तों क्या दिया है, चल संपत्ति की परिभाषा। जैसे कोई भी चीज हिल डोल सकता है उसको हम लोग चल संपत्ति की परिभाषा में परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, कार, बाइक, ये सारे क्या है, चल संपत्ति है। तो डायरेक्टली कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, चल संपत्ति की परिभाषा कौन दे रही है, नानी। चल संपत्ति की परिभाषा कौन दे रही है, नानी दे रही है। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, एन का कोड 2 होगा, ए का नहीं होगा, एन का 2 होगा, आई का नहीं होगा, तो N2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, धारा नंबर 22 कैसे एग्जाम में आएगा, चल संपत्ति की परिभाषा किसमें धारा में परिभाषित किया गया है, तो कौन चल संपत्ति की परिभाषा आपको कौन बताई थी, नानी बताई थी, नानी में एन का कोड क्या होता है, 2, तो 22 नंबर धारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, धारा नंबर 34 में क्या है, समान आशय, जैसे कॉमन इंटेंशन होता है, क्या होता है, कॉमन इंटेंशन। जैसे मान लो कि आप दोस्त लोग हो, बहुत सारे दोस्त लोग हो और कुछ चोरी वगैरह करने के लिए चले गए। मान लो ये 5 दोस्त हो, चोरी करने के लिए चले गए और 3 लोग इधर क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और 2 लोग इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, एक उधर देख रहा है पुलिस को या फिर किसी आदमी को और 3 लोग चोरी कर रहा है। लेकिन जब पकड़ा गया तो लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था भाई, मैं तो ऐसे घूम वहाँ पे खड़ा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। कब, बस मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब समान आशय, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा किसका इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो वहाँ चुपचाप खड़ा था। पकड़ाने के बाद क्या बोलता है लोग, यही बोलता है ना, अरे भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो वहाँ खड़ा था, उन लोग कर रहा था। ठीक है, तो बस आपका आंसर यहीं पर आ चुका है। देखिए ध्यान से, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कॉमन इंटेंशन मतलब मेरा कोई आशय नहीं था। ठीक है, M का दोस्तों 3 होता है, E का नहीं होता, R का 4 होता है, A का नहीं, तो डायरेक्टली क्या हो गया, 34 नंबर। देखिए ये सारा जो धारा जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। कॉमन इंटेंशन मेरा नहीं था, मेरा को रिकॉर्ड कर दिया, 34। अगला देखिए ध्यान से, IPC में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है, वो किस धारा में रखा गया, कैसे याद रखोगे। देखिए ध्यान से, जो IPC में जितने भी प्रकार का दंड है, जो भी दंड है वो किसको नहीं दिया जाएगा, लैम को नहीं दिया जाएगा। जो लंगड़ा होगा उसको क्यों देंगे, उसको कोई भी दंड नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे, जो लैम होगा, लैम मतलब लंगड़ा होगा, उसको कोई भी दंड नहीं देंगे। L का कोड होगा दोस्तों, A का नहीं होगा, M का होगा, E का नहीं। L का दोस्तों 5 होगा और M का 3 होगा। 53 धारा में IPC के 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। किसी भी तरह का दंड का प्रावधान किसको नहीं दिया जाएगा, लैम मतलब लंगड़े को नहीं दिया जाएगा। और कितने तरह का होगा, 5 तरह का होगा। एग्जाम में यही पूछेगा कि IPC भारतीय दंड संहिता 1860 में कितने प्रकार का दंड का उल्लेख किया गया है और कौन कौन सा है। तो आपका देखिए ध्यान से, 5 तरह का होगा, जिसमें मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट बोलते हैं, और कारावास। जो कारावास होता है वो 2 तरह का होगा, एक साधारण होगा और एक सश्रम होगा, जो मतलब जिसमें हार्ड वर्क कराया जाएगा आपको। और तीसरा, चौथा नंबर पे जुर्माना होगा, और 5वां नंबर पे संपत्ति का सम अपहरण या फिर कुर्की जिसको बोलते हैं, या फिर जैसे मान लो कि जैसे मालिया भाग गया तो उसका संपत्ति क्या किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा उसको बोली लगा के बेचा जा रहा है और उस संपत्ति को रखा जा रहा है ताकि कंपनसेट हो सके, तो उसी को बोलते हैं संपत्ति का सम अपहरण। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका ये 5 हो गया। अगला नंबर पे दोस्तों 67, जुर्माना ना भरने पर प्रावधान। कैसे याद रखोगे कि अगर मान लो कहीं पे जुर्माना आप नहीं भरते हो, जैसे ट्रेन पे जा रहे हो और ट्रेन पे आपने कुछ गलत किया, टिकट लेके नहीं गया,
तो मान लो कि वहाँ पे कुछ का मतलब कुछ रुपये का वहाँ पे आपको देना पड़ेगा जुर्माना। अगर नहीं दोगे तो क्या आप लोग सबके सामने झुकना पड़ेगा। झुको सबके सामने झुको कब, जब जुर्माना नहीं दोगे। जब जुर्माना नहीं दोगे तो सबके सामने झुको, और जुर्माना दे दोगे तो लो पैसा दे लो, अपना दूसरा टिकट कटा लो, काम खत्म। और नहीं दोगे तो क्या होगा, झुकना पड़ेगा। लोग झुको क्या बोल रहे हैं लोग, देखो ध्यान से, कि जुर्माना ना भरने पे लोग क्या बोलते हैं, झुको। जुर्माना ना भरने पे लोग क्या बोल रहे हैं, झुको। देखिए ध्यान से, जे का कोड होगा, यू का नहीं होगा, के का होगा, ओ का नहीं। जे का दोस्तों 6 होगा और के का 7 होगा। 67 पे क्या है, जुर्माना ना भरने का प्रावधान। जुर्माना किस तरह का होगा, देखिए ध्यान से, कि अगर 50 रुपया से कम का अगर आपका जुर्माना हो रहा है और आप नहीं भरते हैं तो 2 माह का आपका ये हो जाएगा, और 50 रुपया से 100 रुपया तक का अगर आपका जुर्माना है तो 4 माह तक आपको मतलब वहाँ पे जेल में रहना पड़ेगा। 100 रुपया से अधिक होता है तो 6 माह तक। तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे कि 50 रुपया था 50 से 100 के बीच, और 100 से 100 से अधिक था, तो कौन कौन सा था, 2, 4, 6, 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना। और किस चीज़ का था, जुर्माना ना भरने पे लोग क्या बोलते हैं, झुको। झुको को डिकोड कर दिए कितना हो जाएगा, 67। अगला धारा नंबर 73। कैसे याद रखोगे, जो 73 है दोस्तों वो एकांत परिरोध, या फिर बोल सकते हो सोलेटरी कॉन्फाइनमेंट, या फिर इसको बोल सकते हो कि कठोर दंड। क्या बोल सकते हो, कठोर दंड। अब देखो कठोर दंड लोग क्यों देता है, क्योंकि ऊपर से हुकुम आता है, ऊपर से हुकुम आता है तभी उसको कठोर दंड दिया जाता है, अन्यथा उसको नहीं दिया जाएगा। बस आपका आंसर आ गया कि जैसे एग्जाम में आता है कि कठोर दंड देने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो कठोर दंड तभी दिया जाएगा जब ऊपर से हुकुम आएगा। कब आएगा, हुकुम आएगा तभी, या फिर कठोर दंड देने के लिए किसी को मन नहीं करता बट ऊपर से हुकुम आता है, हुकुम आता है तभी कठोर दंड दिया जाता है। तो देखिए हुकुम को डिकोड कर दीजिए, एच का दोस्तों नहीं होता, यू का नहीं होगा, के का होगा, यू का नहीं होगा, एम का होगा। के का दोस्तों 7 होगा, एम का 3 होगा। तो 73 नंबर धारा पे क्या दिया गया, कठोर दंड का प्रावधान डाला गया है। इसमें क्या क्या दोस्तों, एक बार में अधिकतम 14 दिन तक, क्या बोल रहा हूँ, 14 दिन तक, और कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, ये 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, धारा 76 कैसे याद रखोगे, विधि द्वारा अबाध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि पुलिस को पता चला कि इस बंदे ने कोई गलती किया है और दूसरे बंदे को उठा के ले गए, ठीक है, तो उस पर कोई अपराध का केस नहीं होगा, ठीक है। तो विधि द्वारा अपराध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कैसे करोगे, 76 में है, देखो कभी कभी होता ना कि घर तरफ किसी के ऊपर केस है और दूसरा पे उसको उठा के ले गया, नाम अगर सेम है, अगर नाम सेम है, ठीक है, उस आदमी को क्या पता चला दूसरा आदमी को उठा के ले गया उसी नाम का, तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे कि ये सारा चीज़ कब होता है, जब लोग एक पुलिस को कैश दे देते हैं, कुछ घूस वगैरह कैश वगैरह देते हैं, तो क्या करते हैं कि चलो उस आदमी ने गलत किया था उसको पकड़ के ले जाना था लेकिन दूसरे आदमी को पकड़ के ले गया, तो ये क्यों करता है, कैश के लिए, क्यों करता है, कैश के लिए, क्योंकि कैश मिल जाता है तो उन लोग दूसरा को पकड़ के ले जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अपराध नहीं होगा, ठीक है। इधर कैश भी हो गया, तो सी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, SH का 6 होगा। सी का दोस्तों 7 होगा, SH का 6 होगा, डायरेक्टली आंसर होगा। जैसे एग्जाम में आता है विधि द्वारा अपराध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, तो वो कैश के चक्कर में करते हैं वैसा काम, ठीक है, कि दूसरा को पकड़ के ले गए, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, धारा 77 में क्या है, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं होगा। अगर मान लो कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ गलती से कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस पर उनके ऊपर अपराध का केस मामला दर्ज नहीं होगा। कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, न्यायिक कार्य कौन करता है, जो थोड़ा सा एडल्ट होता है, बूढ़े लोग टाइप का होते हैं, ठीक है, वही तो न्यायाधीश बनेंगे, ज़्यादा उम्र में ही न्यायाधीश बनेंगे, तो जो न्यायाधीश है उनसे गलती हो जा रहा है, तो न्यायाधीश क्या है, काका है, कौन है, काका जी है, जो काका है उन्हीं से तो गलती हो जा रहा है, ठीक है, तो उनको कभी भी कुछ किसी तरह का अपराध नहीं माना जाएगा। किनको, काका को, और काका ही न्यायाधीश हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है ज़्यादा एज में ही ये सारे आपको पोस्ट पे मिलेगा, तो काका पे कोई भी अपराध का केस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश, न्यायाधीश किस तरह का था, काका था, न्यायाधीश कौन था, काका था, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आता है कि न्याय करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाता है या उसे अपराध नहीं माना जाता है, वो किस में, तो न्यायाधीश कौन था, काका था, बस आंसर आ गया। K का 7, AA का कोड नहीं होता है, आपका 77 आंसर आ गया। अगला 78 पे क्या है, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे अगर मान लो क्या कि जल्लाद है, जल्लाद अगर उसको फांसी दे रहा है किसी को भी, तो उसका कार्य है वो
किधर न्यायालय से मिला गया ऑर्डर है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर किसी तरह का अगर मान लो कि न्यायालय ने ऑर्डर दिया है कुछ करने के लिए और वो काम किया जा रहा है और उस काम करते हुए कुछ घटना अगर हो जाता है छोटा मोटा तो उस पर भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो बस आपका आंसर आ गया क्या, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बस आंसर आ गया कि न्यायालय द्वारा आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। कब नहीं होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी जल्लाद को फांसी देता है तो उसको थोड़ी फांसी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाएगा। तो कभी नहीं क्या होगा? कभी। के का कोड होगा ए का नहीं होगा, बी का होगा ए आई का नहीं होगा। के का दोस्तों कितना होगा? 7 होगा, बी का 8 होगा। तो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी। अगला देखिए ध्यान से, आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत मतलब क्या लिख रखा है देखिए ध्यान से, कि अगर इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखो ध्यान से, घर तरफ क्या होता है कि कभी कभी खेत वगैरह में गेहूं का खेत जिसमें मान लो काटने का सीजन आ गया उस समय पे, तो गेहूं तो सूखा रहता है। मान लो कि एक एक मान लो कि एक खेत में क्या हो गया कि एक खेत में आग लग गया, एक खेत में आग लग गया, सपोज इस तरह का ये वाली खेत में आग लग गया, ठीक है, ये वाली खेत में आग लग गया। अब देखो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा खेत है, ठीक है, तो बहुत सारा जुड़ा हुआ। अब देखो सारे खेत में क्या होगा? आग लग जाएगा। सारे खेत में क्या होगा? आग लग जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इधर वाला जो खेत है उस पर क्या करते हैं, इधर ट्रैक्टर चलवा के उसको क्या हाल पूरा जोत देते हैं। तो इसे जोतते के साथ ये पूरा ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये दोनों से कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये जिसका खेत ये जोत दिया गया है वो कभी भी केस नहीं करेगा दूसरा पे, या फिर केस भी करेगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो डायरेक्टली क्योंकि देखो इस इतना खेत हमको जोतने के बाद इतना सारा मेरा बच गया ना, दूसरा आदमी का भला हो गया, तो ये क्या हुआ? इसका फायदा हुआ। अगर हाँ इसका फायदा हुआ तभी ये करना है, फायदा नहीं होगा तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा इस पे मेरे को पहले से ये थी था दुश्मनी था, अब पता चला इधर कोई खेत भी नहीं है और उसमें पूरा हल जोत दिया, पता चला एक ही खेत था उसी में हल जोत दिया, इधर कोई खेत भी नहीं था, फायदा ही नहीं था लेकिन कर दिया, तो वैसा नहीं है। आपका फायदा दिखना चाहिए। बस आंसर आ गया। ये काम कब करेंगे? आवश्यकता का सिद्धांत कब अप्लाई करेंगे? जब हमें फायदा नजर आएगा, जब हमें फायदा नजर आएगा। बस आपका आंसर आ गया, देखिए ध्यान से, फायदा नजर आएगा तभी करना है, वैसे नहीं होगा। आवश्यकता का सिद्धांत फायदा पे करते हैं। एफ का कोड नहीं, एफ का कोड होगा ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, डी का होगा ए का नहीं। एफ का दोस्तों 8 होगा, डी का 1 होगा 81। बस आंसर आ गया आवश्यकता के सिद्धांत। आप इसी को स्टोरी बना के दे देगा कि एक गांव में क्या था, 4-5 खेत था और तीनों चारों पांचों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। पहला खेत में आग लग गया और बीच वाले खेत में किसी ने क्या किया, हल जोत दिया, तो उस पर कोई धारा नहीं लगेगा, ये किस कोई भी उसको अपराध का केस नहीं लगेगा, ये किस धारा में किया गया है। तो यहाँ फायदा हुआ ना, यहाँ पे फायदा हुआ तो फायदा को डिकोड कर दीजिए। फायदा में एफ का कितना होगा? 8 होगा। डी का 1 होगा, 81 धारा में। डायरेक्टली ऐसे करके आपको याद करना है, बाकी बात आप रट्टा मारने के मार सको कभी भी याद नहीं होगा, ठीक है, करने की कोशिश करो। अगला धारा नंबर 82 में क्या है दोस्तों? 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होगा। अगर 7 साल का बच्चा है और कोई भी अपराध करता है, अगर किसी मर्डर भी कर देता है तो उसको कोई भी चीज़ किसी तरह का अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ऐसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, कि जो 7 वर्ष आपको ये भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, ठीक है, 7 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको अपराध नहीं माना जाएगा कोई भी अगर वो काम करते हैं। इवन उसको फाइन भी नहीं देना पड़ेगा, फाइन भी नहीं देना पड़ेगा, वो तो छोड़ दो अपराध तो छोड़ दो, फाइन भी उससे कोई नहीं ले सकता। बस आपका आंसर आ गया, देखिए ध्यान से, 7 वर्ष से कम बच्चों द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होगा और उससे फाइन भी नहीं लिया जाएगा। देखिए ध्यान से, एफ का कोड होगा आई का नहीं होगा, एन का होगा ई का नहीं होगा। एफ का दोस्तों 8 होगा, एन का 2 होगा, 82 क्या हो जाएगा? 82 दोस्तों। इसमें हमने टोटल 11 कवर किया और 11 के साथ साथ हमने बेसिक चीज़ें को भी देखा जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपका ये सारा चीज़ भी कभी कभी पूछा जाएगा। तो धारा के साथ साथ मैंने इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस किया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आएगा, मेरे ख्याल से 3 पार्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा और ज़्यादा धारा इंपॉर्टेंट है, मैं टोटल 50 के आसपास धारा कराऊंगा, 40 के आसपास। अगर उससे इंपॉर्टेंट आपको और ज़्यादा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस धारा का नाम लिख सकते हो, उस धारे के बारे में डिटेल लिख सकते हो, ताकि मैं
अगला क्लास में उस सारे चीज़ को मैं भी बना सकूँ, या फिर आपके पास कोई मटेरियल है जिसमें पूरे धारे के बारे में डिटेल दिया गया और वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको टिक लगा के फोटो खींच के हमारे व्हाट्सअप नंबर 8371193660 पे भेज सकते हो, वहाँ पे आपको बना दिया जाएगा और फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट वा में आ जाएगा। तो इतना आप अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपका वीडियो आता जाएगा, नहीं तो अगर आप ये सब नहीं करते तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहाँ जहाँ से लग रहा है, मैं उसको करते हुए आपको कवर करवा दूंगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इसी तरह अगर पूरे पॉलिटी लूसेंट को 65 आवर्स में अगर कवर करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स है 65 आवर्स का बना हुआ है, जिसमें 100 वीडियोस है, पीडीएफ है, बहुत ही सारी तरीके से आपको कवर करा दिया गया, टिप्स पे याद करा दिया गया है। अगर आप चाहते हो उस पे विजिट करना तो हमारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके उस चीज़ को देख सकते हो और समझ के आप उस चीज़ को आप परचेज कर सकते हो। और अगर डिटेल जानना है हमारे वीडियो के बारे में तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल कोर्स के बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारे चीज़ में दिया गया है, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, ये सारे टॉपिक आप कवर कर दिया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है, उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे एमसीक्यू आपके ट्विप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है। आपको बता दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ, जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है, नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41 प्लस था उसको कवर कराया है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है, भारत के प्रमुख वन अभिजीव अभियान है जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलने का, बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है, किससे, लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है, अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पर सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों ये सब हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा, 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा,
499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको बस आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 MCQ जो कराया उसको 99 रुपया में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपया में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।